तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। सो गाइस, बहुत दिन के बाद गाइस आज दिन जो है मेरे मेरे यूट्यूब करियर का बहुत ही एक सुहाना दिन है, क्योंकि कल रात ही मेरा जो 1K सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो गया। गाइस ये जो वीडियो है, मैं यहाँ पर स्टोरी टाइप का एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लोगों को बताऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मेरा ये जो जर्नी है 0 से 1K तक ये कैसा रहा, किस तरह से मैंने कम्प्लीट किया और कब मैंने YouTube ज्वाइन किया, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुल मिला के एक स्टोरी टाइप का वीडियो बनाऊंगा, सो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने सोचा कि ये एक सेलिब्रेशन वाला वीडियो है, तो क्यों ना इसको आउटडोर जाके शूट किया जाए। और इस वीडियो में मैं टोटली वॉइस ओवर करूँगा ताकि आपको और भी ज़्यादा मज़ा आए। तो गाइस चलिए अब करते हैं इंजन को स्टार्ट और निकल पड़ते हैं पहली सवारी की ओर। तो गाइस यहाँ पर हम दो, मैं और मेरा दोस्त प्रीतम, दो लोग निकल चुके हैं। आप लोगों को मैं लेके चलूँगा एक खास जगह पर जहाँ पर हम लोग पहले कभी कभी जाते थे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस बात है 1950 की। मज़ा कर रहा था गाइस बात है 17 अक्टूबर 2017 की, जब मैंने यूट्यूब एज ए करियर स्टार्ट किया था। तो तभी मैंने यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तब मुझको थोड़ा थोड़ा ये पता था कि बस जाओ वीडियो बनाओ, आपका काम ख़त्म, बस आप सब कुछ कर सकते हो। तो मेरा जो पहला वीडियो था, मैं वहाँ पर वो जो वीडियो बनाया था, मैंने जो वीडियो बनाया था और भी वीडियो था, तो मेरा याद में अभी आ रहा है कि ऑनर 7 है जो मैंने फ़ोन परचेस किया था, उसका अनबॉक्सिंग किया था। अरे वो वीडियो आप जाके देख सकते हो सबसे लास्ट में। और तकरीबन अभी मेरे चैनल के ऊपर 170 वीडियो है। और ऐसा गाइस मेरा जो चैनल का ग्रो वाला वीडियो है, मतलब जो मेरे चैनल को बहुत ही तेज़ी रफ्तार से बढ़ाया, एक वाईफाई वाला वीडियो है, एक WPS वाला वीडियो है, और भी 2-3 वीडियो ऐसा है जिसकी वजह से मेरा सब्सक्राइबर गेन होना स्टार्ट हो गया। तो गाइस क्या ही बताऊँ, मेरे यूट्यूब करियर में जो लोग यूट्यूब करते हैं वो लोग जानते हैं कि कितनी रुकावटें आती है यूट्यूब में। तो गाइस ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने पहला यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज इकट्ठा किया, मतलब जाना कि यूट्यूब क्या है, किस तरह से काम करना है। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले मैं क्या करता था, मेरा जो व्हाट्सएप है उसमें मैं वीडियो बना के उसका लिंक शेयर करता था, ठीक है। तो एक दिन मेरा एक बड़ा भैया है जो मुझे अभी बहुत सारा चीज़ों में सजेशन देते हैं, तो एक वो भैया के पास एक दिन मेरा लिंक चला गया, मतलब स्टेटस फॉलो करते करते वो भैया ने देख लिया। तो वो बाहर रहते हैं, एक दिन अचानक से जब घर आया तो मेरे साथ मुलाकात हुआ उनका, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, मतलब यूट्यूब तू छोड़ दे, यूट्यूब अगर तू करेगा इस तरह से करेगा तो कैसे होगा, ठीक है। YouTube उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। देखो गाइस यहाँ पर मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है कि मैं एक अच्छा खासा सेटअप, अच्छा खासा कैमरा ला सकूं और अपना वीडियो क्वालिटी जो है और भी पहले से बेहतर बना सकूं, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है, मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, बहुत सारा प्यार है आप लोगों को देने के लिए। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ ऐसी ही दोस्ती बना के रखो। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन आप और हम मिलके ये जो टेक ज्ञानी फैमिली है इसको और भी बढ़ावा दे सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो दोस्तों। हाँ, कहाँ था मैं, तो उसके बाद जो मुझे हुआ कि सब लोग मुझे मतलब जब भी मैं गांव पर निकलता था तो मुझे बोलते थे कि भाई यूट्यूबर आ गया, देख यूट्यूबर आ गया, ऐसा बोल के मुझे चिढ़ाते थे। तो
मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता था, मैं घर में आके रोता भी था। उसके पहला बाद पहला क्या टाइम हुआ था, जब मेरा ऐसा बोलने लगे तो लोग, मैं जब मेरा 600 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए तो मैं यूट्यूब छोड़ दिया था। ठीक है, तो चलो कुछ काम नहीं हो रहा है, लोग भी ऐसे बोल रहे हैं तो चलो छोड़ देते। तो गाइस तभी और एक सीन हमारे साथ हो गया था कि हमारा जो हेड ऑफ़ द फैमिली मेम्बर था, मेरा दादाजी का तब देहांत हो गया था। तो उसके बाद उस टाइम जब मैंने यूट्यूब छोड़ा था तो पापा के ऊपर सब कुछ जिम्मेदारी आके पड़ी थी। उसके बाद मैं पापा के साथ कभी कभी खेत में काम करता था, और जब तक याद है घर का काम भी थोड़ा सा करता था, बाहर का काम भी करते करते टाइम जो है ख़त्म, उसके बाद रात को आता था और सो जाता। बस ऐसा करके करके दिन गुजार जाता था, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था कि मैं वीडियो बना सकूं। आपके टाइम काम करके पूरा एनर्जी जो है ख़त्म हो जाता था, इसलिए सो जाता था मैं। उसके बाद मैं सोचा कि मैं एक दिन यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो ऑन किया। उसके बाद मैंने देखा कि सब्सक्राइबर जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि हाँ भाई अब तो यूट्यूब करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी पहला टाइम मैं वीडियो बनाता था टेबल के ऊपर मोबाइल को रख के, फिर क्या होता था वहाँ पर कि मोबाइल गिर जाता था और वीडियो शूट नहीं होता, मोबाइल टूट गया था पहला टाइम ही, तो इसलिए वीडियो अच्छा नहीं आता था उसमें। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाना है तो एक ट्राइपॉड ले लेते हैं। तो 300 350 के आसपास कुछ खर्च करके मैंने ट्राइपॉड लिया, अभी उस ट्राइपॉड से ही शूट कर रहा हूँ, अलग से कोई सा भी ट्राइपॉड मेरे पास नहीं है। और माइक यूज़ करता था मैं बोया का, तो अभी बोया का माइक जो है पानी गिरने की वजह से वो ख़राब हो चुका है। अभी जो मेरे पास माइक है ये एक मॉडिफाइड माइक है, जो मेरा एक छोटा भैया है तो उन्होंने तैयार कर दिया था। ये जो ट्राइपॉड है परचेस करने के बाद और एक इंसिडेंट मेरे साथ हो गया कि अचानक से एक दिन वीडियो शूट करते करते लाइट चला गया, और मैं जब भी चेयर से उठा तो इसके ऊपर हाथ लगने की वजह से ट्राइपॉड के ऊपर हाथ लगने की वजह से ट्राइपॉड गिर गया और यहाँ इसका जो एक टांगे है वो टूट गया। ठीक है, तो उसी के साथ ही अभी भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी अगर मान लो लाइट चला जाता है फिर, या तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा टाइम मेरा जो ये है माइक है इसमें मेरा जो हाथ है ये लग के ट्राइपॉड विथ मोबाइल दोनों ही गिर जाता है, फिर मैं उठाता हूँ फिर वीडियो शूट करता हूँ। प्रॉब्लम है हमारे इधर का बहुत ही ज़्यादा लोड सेटिंग होता है, तो इतना सारा प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर। तो अगर कोई सा भी ऐसा नया यूट्यूबर हो आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप नया यूट्यूब चैनल शुरू किए हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई प्रॉब्लम हर किसी के ज़िंदगी में है, तो प्रॉब्लम को फेस करके आपको आगे बढ़ जाना है। मैं जितना सीखा हूँ मेरे लाइफ से मैं वही आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर फालतू का भाषण मैं नहीं दे रहा। जो लोग यूट्यूब पर आए हैं सक्सेस हुए हैं उन लोगों को पता है कि किस तरह से, मतलब वो लोग स्टार्ट किए किस तरह से, इस मुकाम को हासिल किए। तो आज मेरा 1,000 सब्सक्राइब है, वो भी आप लोगों की वजह से। मेहनत मेरा है आपका भी है, दोनों का मेहनत इसमें गया है, तो आप लोगों को भी बहुत 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 ही ज़्यादा थैंक यू। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइस मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, उतना तो हमारे पास ज़मीन भी नहीं है पैसा भी नहीं है, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ और यहाँ से ही मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ। तो आप भी कर सकते हो, यही बोलना था, तो आप भी कर सकते हो, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, सिर्फ आपको ट्राई करते रहना है। जितनी बार आप फेल होगे उतनी बार बेहतर तरीके से ट्राई करना है। तो गाइस ये एक सेलिब्रेशन वाला वीडियो है, तो मुझे लगा कि एक अनोखा सारा वीडियो बनाया जाए। तो हम लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए थे और अभी घर में है, तो इस तरह से ही मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ बात किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइस मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल से, यार दिल से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि चैनल 1K तक पहुँच गया। गाइस 1K जो मतलब ये कोई छोटा माइलस्टोन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ यार मैं किस तरह से मेहनत किया है। और बाकी रही आप लोगों की बात, तो आप लोग नहीं होते तो शायद ये इम्पॉसिबल रहता, तो आप लोगों को दिल से शुक्रिया। तो गाइस
तो गाइस आज हमारा टेक गैनी जो फैमिली है वो 1K तक पहुंच गया है, और वो भी आप लोगों की वजह से। तो गाइस हम लोग जो ये माइलस्टोन छू गए हैं ये आप लोगों की वजह से, और आप लोगों के लिए मैं कुछ ना करूँ ये तो नहीं हो सकता। गाइस आप लोगों के लिए मैं मेरे चैनल के ऊपर एक बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ वाला वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए इंतज़ार करो। और जो लोग नए हो चैनल पर आके सब्सक्राइब कर दो, करके वो जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको हर तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस अंत में और एक बार आपको दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।